हनुमान जी कौन थे? आजाद भाई, आप ही बताएं सर, आप ही समझा लीजिए। बंदार बासे बंदार। जी आनंद जी बोले। आवाज आ रही जी? हाँ हाँ आ रही है, बोल। हाँ आवाज आ रही सर जी। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ आप सभी को नमस्ते नमस्कार। सर। जी नमस्ते। नमस्कार जी। जी सर, मेरा सवाल ये बोले है सर। आप लोगों से कि सर, आप हाँ लोग हाँ पर्टिकुलर एक ही कास्ट को कास्ट के पीछे क्यों पड़े हैं? मतलब क्या क्या बिगाड़ दिया इस कास्ट ने? किस कास्ट ने बिगाड़ दिया? मैं किस कास्ट के पीछे पड़ा नहीं हूँ, आप थोड़ा मतलब, बताएं। नहीं आप लोग तो ब्राह्मणिज्म के ही पीछे पड़ गए हैं। मतलब क्या गलती कर दिया है ब्राह्मणिज्म में? आजाद जी सिर्फ 1 मिनट। मिश्रा जी अच्छा, आप आप समझने आए हैं, ब्राह्मणिज्म आप के बारे क्या समझ, जानते हैं? एक हाँ मिनट। नहीं हाँ जो भी मिश्रा जी, जानते हैं, जैसे मिश्रा जी सिर्फ सर एक आप बात, मतलब एक ही मेरा कास्ट सिर्फ, को, एक ही कास्ट। जी मुझे मुझे जी इतना बताए मिश्रा जी, आप समझना चाहते हैं या सिर्फ खाली चर्चा करना चाहते हैं? दो अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं। आप समझना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं आप लोगों ने क्या किया है, मतलब आपके पूर्वजों ने, या फिर आप सिर्फ यूं ही तो बस सर एक सुनिए मेंटल सुनिए जी जिम्नास्टिक जी करने जी के लिए जी आया है। सुनिए मेरी बात। अब इसमें, अब जो प्रेजेंट में है ब्राह्मण, इसमें अब उनकी क्या गलती है, जरा हमको बताइए। इसको आप अच्छा कॉन्ट्ररी, इसको आप, एक इसका बिल्कुल विरुद्ध। सेकेंड, सर जारवी सर एक सर मिनट। जी। हाँ बोलिए बोलिए। जी हाँ हाँ जी बोलने, जारवी सर बोलें बोलें, आप बोलें। मिश्रा जी आप इतना सोचिए, आपने भी ये बोला कि पूर्वजों ने किया ना किया, ना किया मुझे बहुत चुभता है। आप इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए कल्पना में रिवर्स करिए कि शूद्रों ने ब्राह्मण को हल्का समझ के पूरा शोषण किया होता, आज उसको डिप्राइव मतलब वंचित किया होता हर सुविधा से, हर उस सम्मान से, सोशल प्राइड से, सोशल इक्वालिटी से, तो आपको कैसा लगता? और शूद्र ये समझते ब्राह्मण तो हल्का है नीचे, तो आपको उस टाइम कौन सी फीलिंग आती? वही सर फीलिंग आज आपकी बात शूद्रास के सही नाम के है, लोग एक बस। मिनट ओके मेरी बात सुनिए। अभी जो आप ब्राह्मणवाद पे अभी टारगेट कर रहे हैं आप सभी लोग मिलके, तो हमारा तो समाज गंदा होता जा रहा है समाज की नजर में। पहले हमारे पूर्वज गलत अच्छा गली में अच्छा ये फंसे, आज भी वो ब्राह्मणवाद गलत तो गली होता में फंसे, क्या है? लेकिन पहले आप ये बताइए ब्राह्मणवाद क्या होता है मिश्रा जी, यहां से हम पहले बात शुरू करते हैं। हाँ ब्राह्मणवाद। जी हाँ ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद क्या ब्राह्मणवाद होता है तो कुछ बता। नहीं होता है। आप लोग बस उसको पता नहीं कौन कौन सी किताबें कहाँ कुछ कहाँ नहीं से होता, जी द्वारा लिख के ला रहे नहीं हैं नहीं लोगों को मिश्रा जी दिखा के, बस सुनिए डाइवर्ट ना, करने का। मिश्रा बिल्कुल जी, डाइवर्ट कुछ नहीं होता सर ये बिल्कुल मिश्रा नहीं, जी, डाइवर्ट करके आप लोग मिश्रा सीधे जी, जा रहे मिश्रा हैं। जी आप पंडित बहुत जी, मिश्रा जी कंफ्यूज हैं। महाराज, आप सिर्फ जी ये बोलिए बताइए कि ब्राह्मणवाद से आप क्या समझते हैं, आप ये वाली बात पहले बताइए। हाँ, और उसके तो साथ एक ब्राह्मणवाद कुछ क्वेश्चन है ही मेरा ये नहीं, भी ब्राह्मण है। जैसा कुछ है ही नहीं। नहीं अच्छा मिश्रा जी, ब्राह्मणवाद जैसी ब्राह्मणवाद कोई भी सुनिए चीज है ही सुनिए नहीं, सुन मतलब मेरी बात, एग्जिस्ट ही नहीं करी एक कभी मिनट आज सुनिए, तक। सुनिएगा कोई आप सुनिएगा मुझे एक सेकंड, आप आप मुझे लोग एक मिनट मिश्रा जी, एक मिश्रा जी एक मिनट, पहले ये बताइए, डू यू जी फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण एंड ब्राह्मणवाद? आपके क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है। आप ब्राह्मण और सर आप ब्राह्मणवाद में लोग डिफरेंस जानते हैं? बिल्कुल सुनिए मेरा जवाब सुनिए। आप लोग जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये नहीं है ब्राह्मणवाद। अच्छा क्या है हाँ ब्राह्मणवाद, सर, ब्राह्मणवाद जैसी क्या कोई है चीज ही बताएं, नहीं है। ब्राह्मणवाद अभी बताएं। किसी अरे पर्टिकुलर भाई कास्ट पे आप वाद समाज में लगा के एक अगर बात कोई चीज, चलती है मिश्रा जी, जी आप सुनते ही नहीं हो यार, आपकी इतनी बात सुन बोलिए। रहे हो, हाँ आप हम जी बोलने का ही मौका बोलिए नहीं बोलिए, देते अभी हो। आप बोलिए। अब कम से जी कम मैं यहाँ मूड तो खराब हो ब्राह्मण गया। मत बनो, हमको भी तो बोलने दो। आप सिर्फ ये बताइए कि समाज में एक बात चलती है, एक टर्म चलता है जिसको बोलते हैं ब्राह्मणवाद, आप इससे क्या समझते हैं, मतलब ये होता क्या है, क्या चीज क्या है ये आप? मैं तो वही तो बोल हाँ रहा हूँ कि इसलिए मैं खुद ब्राह्मणवाद को गाली दे रहा हूँ, जो पहले की चीजें हैं। कृपया उस गलती की, अच्छा, मतलब आपको उनके द्वारा आपको ना गलती शायद की गई समझ सजा में आज नहीं की आ रहा जन है, या तो नहीं, आप, हाँ आज मैं वाली आपको जनरेशन समझा नहीं देता हूँ समझ पाई, ब्राह्मणवाद गलती की क्या वजह। होता है, पहले इस बात को समझिए। देखिए बताइए ब्राह्मणवाद जो है जी। ना, ये होता है कि भाई कोई आदमी जैसे ही जन्म लिया, ठीक है, तो जन्म लेते के साथ में वो आदमी ऊंचा हो गया कोई इंसान, और कोई इंसान नीचे हो गया, और जैसे ही उसका बर्थ हुआ तो उसको क्या क्या काम करने हैं, ये काम उसके पूरी आने वाली लाइफ लॉन्ग के लिए डिफाइन कर दिए गए, ठीक है। अब इस चीज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मिश्रा जी, ब्राह्मणवाद। इसमें क्या होता है कि जो आदमी है उसके पास कोई मौके नहीं है आगे बढ़ने के जीवन में, क्यों, क्योंकि जैसे ही उसका जन्म हुआ ना, उसके लिए चीजों को सेट कर दिया गया है, इसको कहा जाता है ब्राह्मणवाद। हम विरोध करते हैं इस बात का, क्योंकि आज की सुनिए, ये आप जो, जो आप आज बात का कर जो रहे हैं ना, समय है सुनिए, ना, अभी मेरी सुनते तो सुन लीजिए एक जाइए, सेकंड, सुनिए मैं आपको सुन समझा लीजिए। रहा हूं, आप इत्मीनान से नहीं मेरा भी सुनते सुन जाइए, लीजिए, मेरा भी सुन लीजिए, एक मेरा भी मिश्रा सुन जी, लीजिए, एक आपको भी सेकंड, बोलने ये का बहस मौका बाद दूंगा में मिश्रा जी। कीजिएगा। मिश्रा आप जी हाँ नहीं, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, अमित ये सर कंप्लीट करेंगे, मैं आपको मौका दूंगा, हाँ, एक तब बार आप आप सुन बोल लीजिए लेना। आपको पूरा, कोई भी आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, आपको मौका दूंगा मैं। जी अमित सर कंटिन्यू तो करें। हाँ, तो देखिए जो आज का जब हम समय देखते हैं ना, तो वहां पे हम ऐसी कोई भी सिस्टम कि जिसमें किसी आदमी ने किसी परिवार में बर्थ लिया,
और उसके लिए चीजें नियत हो गई, हम इस सिस्टम में नहीं रह सकते, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मणवाद आता कहां से अब, ठीक है। तो आपके जो धार्मिक शास्त्र हैं ये ब्राह्मणवाद उनकी देन है। इसीलिए मैं अक्सर एक बात को हमेशा कहता हूं कि जो रेशनल आदमी होता है ना, सही मायनों में जो रेशनल आदमी होता है, वो ईश्वर के साथ साथ जो ये वाला जो हम जो चीज हम समाज में देखते हैं कि भाई ये कास्ट सिस्टम जो है उसको भी रिजेक्ट करना चाहिए उसको। मेरी नजर में रेशनल आदमी वही है जो ईश्वर को भी रिजेक्ट कर दिया और साथ में कास्ट को भी रिजेक्ट किया। मतलब आप कास्ट को साथ में रख लो और ईश्वर को रिजेक्ट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि हम ये बात को देखते हैं कि भाई कुछ लोग होते हैं जो सो कॉल्ड ऐसी जातियों में पैदा होते हैं कि जिन्होंने कान में अपने एक धागा लपेट लिया रहता है ना, जब वो लोग पेशाब करने जाते हैं तो कान में लपेट लेते हैं उसको, बाकी के समय उसको धारण किए रहते हैं, उसको कहते हैं जनेऊ। तो भाई आपने जनेऊ धारण किया है और आप कह रहे हैं कि मैं ईश्वर को रिजेक्ट करता हूं, मैं ऐसे लोगों को रेशनल नहीं मानता। मेरी नजर में रेशनल वो है जिसने अपने 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 अंदर में अपने अपने दिमाग में इस बात को तय कर लिया है कि ना तो कोई ईश्वर है और ना तो कोई ऐसा कोई चीज है भाई दुनिया में कि किसी ने किसी अगर घर में उसका जन्म हो गया है तो वो उसकी जो नियति है पूरा जीवन आने वाला जो है वो तय कर दिया गया। ये होता है सर जो आप पूछ रहे हैं, जो आपको नहीं पता है, जो शायद मैंने अभी आपका ज्ञानवर्धन किया, पता नहीं आपको कितना इसमें समझ में आएगा। जी हाँ, अभी मिश्रा जी आप बोलिए, आप आराम से। आपको 2 मिनट देता हूँ, आप बोलें, 2 मिनट आप अपना व्यू रखें। आजाद जी, अमित जी की दलील सपोर्ट करता हुआ, हाँ हाँ वो बोलेंगे। मैंने एक ग्राफिक आपको भेजा है, उनको शेयर करिए उस ग्राफिक को, अमित जी की दलील को सपोर्ट करता हुआ है, आनंद जी को समझाने में मदद मिलेगी। नहीं वो नहीं, वो नहीं, अच्छा ये मैंने आपको, नहीं नहीं ये नहीं, नहीं ग्राफिक एक स्टेट पाई चार्ट भेजा है आपको टेलीग्राम पे। अच्छा अभी टेलीग्राम पे भेजा है, लिंक है क्या है? नहीं लिंक नहीं है, ग्राफिक हाँ, पार्टिसिपेशन ऑफ कास्ट इन गवर्नमेंट जॉब, उनको पता चले इसलिए। आनंद जी आप बोलिए, कोई बात नहीं। आनंद जी अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। आनंद जी सॉरी मेरी तरफ से हो गया था। जी जी जी, तो हाँ अभी आपको 2 मिनट देते हैं, आप अपना व्यू रखें। ओके इंटरप्ट मत करिए, और टू द पॉइंट अमित जी, जो हाँ टू द पॉइंट बोलें, इधर उधर ना जाएं, आपको 2 मिनट। ओके ओके, अभी जो आप बात कर रहे हैं अमित जी ये कास्टिज्म की, तो सर ये जो आप बात कर रहे हैं ये 100-200 साल पहले की बात कर रहे हैं, अभी ऐसा हो रहा है? अभी बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। और रही बात, अगर आप खुद, क्या आप वास्तव में इस चीज को नहीं मानते हैं? आप क्या, आप मुझे नहीं पता आप किस कास्ट के हैं, आप भले से तिवारी लिखे हैं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप भले से यहाँ लोगों को आके ये चीजें सिखा रहे हैं, लेकिन आप खुद एक देखो निम्न वर्ग के यहाँ शादी आप खुद नहीं करेंगे, मानते नहीं सर? अभी सर एक मिनट अमित जी, अभी अभी आपने दोगलेपने की बात की, माफ करिएगा मिश्रा नहीं जी, क्या दोगला, आपने क्या दोगला, आप बोल रहा हूँ, आपने अभी बोला ये 100-200 साल पहले की बात है, आज के भारत में ये प्रैक्टिस नहीं होता, और उसके बाद ही आपने जोड़ दिया, क्या आप किसी निचली कास्ट की लड़की से शादी कर लेना चाहेंगे? अच्छा थोड़ा सा ना ये पर्सनल भी हो गया। अच्छा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं भाई, वो बोलते हैं कि मैं डिबेट सीरियसली नहीं ले जाता, डिबेट सीरियसली नहीं करता। तो मैं ना देखो भाई, मैं पहले गंभीर बातों में बात करता हूँ, लेकिन सामने वाला जब उन गंभीर बातों को समझता नहीं है तो फिर मैं अपना रिन पाउडर को बाहर निकाल लेता हूँ। तो पहला इन्होंने, जार्विस सर आई एम सॉरी मैं आपको बीच में काटा, इन्होंने ये कहा कि पता नहीं आप कौन से कास्ट के होगे, तो आप मानते हो 100-200 साल पहले हुआ कि नहीं हुआ, और आप किसी निम्न वर्ग क्या होता है भाई, एक मिनट सुनते जाइए, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। निम्न वर्ग क्या होता है, मतलब आपका ये कहना है कि मैं किसी सो कॉल्ड ऐसी जाति की लड़की से शादी करूंगा कि नहीं करूंगा जो आपकी नजर में नीची जाती है, ये पूछ रहे ना आप? जी जी आप करेंगे खुद? हाँ, अगर मेरा उस लड़की से प्रेम हो गया ना तो मैं जरूर करूंगा, शर्त प्रेम की है ना। लोग आते हैं, सुनते जाओ, सुनिए सुनिए, एक मिनट, आपका उपदेश खत्म हुआ। शर्त प्रेम की है, अगर मेरा किसी ऐसी लड़की से प्रेम हो गया ना तो जरूर कर लूंगा, और कोर्ट में जाके करूंगा, ये भी आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है, ब्राह्मणवाद बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, आप उसका जीता जागता उदाहरण है।
जीता जागता उदाहरण हो आप। आपको यही नहीं पता है कि समाज में जातिवाद है कि नहीं है। सर है, भले से आप लोग आके हाँ, यहाँ बोल तो दे रहे हैं ना, अगर लेकिन आपके है तो अंदर वो है वो किसकी चीज, वजह आप से? खुद नहीं करेंगे, अच्छा आप मेरे आप को खुद बताओ नहीं करेंगे। आप बस क्या लोगों के सामने आप एक भले से जो मिनट, दलीलें दे रहे हैं ना, व्यक्तिगत जब बात आएगी तो आप खुद नहीं करेंगे। आप ये अच्छा बात आपके जहन में है, आप अच्छा अच्छे जानते हैं। अच्छा ये आनंद मतलब मिश्रा जी, इन्होंने मेरे आनंद लिए भी मिश्रा तय जी, कर दिया, इन्होंने मेरे लिए आनंद तय कर मिश्रा दिया जी कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं जी करूंगा। बोलिए, आप वही यानी तो देखिए आपको क्या नहीं अपने, कर आपको सकते। नहीं, अपनी जाति का दूसरा क्या करेगा इतना, क्या नहीं अरे करेगा, आप यार कैसे तय कर नहीं सकते नहीं हैं? नहीं भाई, ब्राह्मण है ना ये, ब्राह्मण है ये सर, आप इनके ही समझ पास नहीं रहे सारे, हो, यही तो करते नहीं आप आए नहीं हैं कर रहे, पूरे जीवन भर, जो अब आप काम ब्राह्मण जीवन भी भर करने की करके बात आए कर हैं ना, लेते ये हैं। अभी भी कर रहे हैं, ये मुझे तो, सामने वाले के लिए भी तय कर दी कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं, नहीं मुझे तो, करूंगा। अच्छा आप मुझे तो मेरे को एक लगता बात नहीं आप बताओ, ब्राह्मण हैं, आप क्या हो, बस आप क्या चीज हो, आप क्या हो, जी इंसान कौन है सी जाति के हो? जी, ब्राह्मण है। कैसे पता चला आपको, हाँ तभी पता कैसे तो चला सर आपको, उसी में पैदा हुए हैं, आप तिवारी पता कहाँ गए कैसे हैं? आप मेरे से चला? सवाल तो मैं अरे भी पूछ यार सकता एक हूँ, बात तिवारी कहाँ गए बताओ, हैं? आप अपने आप को ब्राह्मण जो बोल रहे हो आपको पता कैसे चला ये बताओ, नहीं पिछवाड़े में कहीं लिखा हुआ आप था भी क्या जब पैदा हुए थे, तो कहीं था क्या टेटू कि ये ब्राह्मण बच्चा है? सर, यही ये कौन सर, आप कौन ये कौन सी बताया शैली का आपको, प्रयोग कर रहे हैं? मैं आपसे नहीं, ये पूछ कौन रहा सी हूं आपको शैली का प्रयोग बताया कर रहे कौन, हैं? बताया नहीं सर, कौन, आपको कौन सी शैली, सर बताया आपको कुछ कौन, नहीं बता। कौन बताया? तिवारी जी ने सुनिए आपको आपको टैटू, तिव... आप आप ऐसा कौन सा निशान लेके आए, आप ऐसी कौन सी विशेषता, ऐसा कौन हाँ सा, नहीं मैं आप जानना चाहता हूँ इसको, इनको एंड बताया कौन है? तो तो आप आप कौन तिवारी बताए, लगाए बताओ आप कौन आप सा सा टैटू, अरे आप भाई तिवारी का एक टैटू लगाए मिनट क्या आपके पिछवाड़े एक पे? मिनट रुको, आपका मैंने सरनेम देख के आपकी जाति नहीं पूछी थी, मैंने आपसे डायरेक्ट पूछा कौन सी जाति का हो, आप बोले जी ब्राह्मण, तो आप सरनेम कहाँ लगाए कहां आपका, से पता तिवारी कहाँ चला, लगाए? पता कहां से चला? नहीं आप लगाए, आपको कहाँ से पता चला अरे तिवारी? एक मिनट, मैंने आपसे ये नहीं पूछा है कि आपने सरनेम क्या लगाया, आपसे मैंने डायरेक्टली पूछा कौन सी जाति के हो, आपने बोला जी ब्राह्मण हूं, आपको कहां से पता चला कि और कि आप ब्राह्मण हो और खुद को अभी ब्राह्मण मान रहे हो, क्या था आपके उसी मतलब कुल जब पैदा हुए तो उसी कुछ था क्या, आपके शरीर में कुछ चमक रहे थे जी क्या आप? सुनिए, अब सुनिए, हाँ जहां से सुनाइए, आप पैदा हुए थे, एक एक आपको मिनट तिवारी एक का टैग मिनट मिला था, उसी कुल एक में मैं भी मिनट, पैदा हुआ था, पॉइंट टू मुझे ये पॉइंट वाला की टैग बात मिला करो, था। ना 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 पॉइंट टू पॉइंट की नहीं, बात पॉइंट करो, टू मैं पॉइंट, आपको पॉइंट टू टैग नहीं पॉइंट ही पूछ बात रहा कर रहा हूँ हूं, अरे भाई टैग जी, काल्पनिक होते हैं दुनिया में, बहुत सारे टैग काल्पनिक भी होते हैं, ठीक है, तो लगाए क्यों ये सर? तो जो काल्पनिक ये चीज, भगवान भी तो काल्पनिक है, तो अमित भगवान को सर, नहीं मानते हो, टैग काल्पनिक नहीं है तो नहीं लगाए ये जो क्यों? जाति वाला अमित जो सर टैग एक मिनट, लेके आपको घूम रहे हो रोकूंगा ना, ये भी इनका काल्पनिक है, नहीं इनको अमित सर बताने तो जी, दो भाई, ये कहां से लाए हैं ये? अब बस एक मिनट सर, ये इन्होंने पता आपको एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, इन्होंने आपको पता ये क्यों बोला था कि मुझे पता नहीं आप किस जाति से होंगे, तिवारी सरनेम लगाया, इनको दिक्कत है, इनको ये भी डाउट है कि आप ब्राह्मण धर्म, पहले सो कॉल्ड ब्राह्मण धर्म के हिस्सा नहीं थे, या आप तिवारी नहीं थे, आप इसलिए इसीलिए ये तो नाम जल्दी लगाए है हो? इनकी, देखो बिल्कुल नहीं लगता है ये, हाँ कई ये क्योंकि, हाँ ये बोल रहे हैं, देखो सर इनको, इनके एक मिनट म्यूट इनको रखो, यही म्यूट लगता रखो, है कोई भी ब्राह्मण रैशनलिस्ट ये नहीं हो सकता, ब्राह्मणपना इनका यहाँ ये नहीं मानना है, चलेगा, ऐसे इसका कन्वर्सेशन इसको करेंगे आप? म्यूट रखो, कन्वर्सेशन हाँ ऐसे ही ऐसे ही करेंगे? होगी नहीं, कन्वर्सेशन, अरे कन्वर्सेशन ऐसे ही यार करेंगे? सुनो कौन सा आप ठप्पा एक आप पे मिनट लगा है, रुको, कौन सा तिवारी का ठप्पा आप पे कौन लगाया है इनको कि थोड़ा भाई म्यूट ठप्पा करो लगा ना, के आए म्यूट आप? करो इनको, नहीं, अरे आप ठप्पा आप सुन लगा तो के लो आए, यार, बताइए जरा, आपको बोलने का मौका रियलिस्ट दे रहे आजाद, हैं, इनको आपको थोड़ा म्यूट म्यूट तो तो करो आप, मौका दे रहे हैं आप लड़ क्यों रहे हो यार? मिश्रा जी सुन देखो लिया करो दोस्तों थोड़ा। आप लोग कई बार ये पूछते हो ना मेरे से, हाँ ये तिवारी सरनेम को मैंने अभी भी क्यों रखा है, ये ऐसे ही लोगों के लिए रखा हूं, ये देखो यही हाँ कारण है, देखे तो ये जो छाती में जो सांप लौटता है ना, ये इसी के लिए, अब ये जो ब्राह्मण देवता है भाई, इसको इसकी हकीकत भी दिखा दूं मैं थोड़ा, ये बकरा है बकरा, देखो मैं अच्छे से बात करने की कोशिश भी करता हूँ भाई, अब मेरे से दोस्त लोग मेरे से नाराज होने लगते हैं कि मजाक क्यों उड़ाता है तू इनका, ये मजाक ही अरे उड़ाने लायक सर लोग हैं, ये थोड़ा मेरी स्क्रीन भी शेयर करना ना, हाँ सर, हाँ बिल्कुल, इसको पढ़वाओ भी है, रुको एक मिनट, मिश्रा हाँ जी आप बहुत बहुत ज्यादा बड़े वाले दोगले इंसान है सही में। आप एक तरफ बोल रहे हो कि आज जातिवाद कोई प्रैक्टिस नहीं करा, और उसी सेंटेंस में सिर्फ आ गई ना अल्पविराम स्क्रीन आ गई, ब्राह्मण भी बता रहे हैं। और अल्पविराम लगाए ही उसी सेंटेंस में बोल दिया कि आप किसी निम्न जाति की लड़की से अच्छा शादी ये करेंगे। कौन है अगर डोगले, आप हाँ मानते नहीं है तो निम्न कैसे एक हो गए आप? सेकंड, कोई हाँ अमित आ सर गया ना, आपका स्क्रीन कहाँ है, कहाँ है आपका स्क्रीन, तो दिख ही नहीं रहा, शेयर कहाँ किए? हाँ किया अभी ना आया, स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ, आ गया आ गया आ गया सर, पढ़वाओ इस आई थिंक मेरा नेटवर्क, निम्न जाति की बोल दिया भाई लड़की को, और मेरे से पूछ रहा उससे शादी करो, अरे भाई लड़की की भी तो रजामंदी होनी चाहिए ना यार, ऐसे थोड़ी ना कि समाज को दिखाने के लिए मैं कि मतलब जैसे ये लोग करते आए उस ढंग का काम करूं, अब वो एक बात बताओ, अगर मेरे को किसी लड़की से प्रेम हो गया, मेरे को उससे शादी करने, तो क्या मैं उसका जाति पूछूंगा कि कौन सी जाति से हुआ, तब तू कौन सी जाति से, तब उससे जाके प्रेम करूं मैं, इनसे पढ़वाओ तो थोड़ा ये पढ़वाओ, पढ़िए पढ़िए पढ़वाओ ब्राह्मण चलिए। देवता से। और गाइस आप लोग स्ट्रीम को लाइक और शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हाँ पढ़िए, आनंद जी अपना माइक अनम्यूट कर लें। हेलो, हाँ पढ़ो हाँ यार, अभी पढ़िए हेलो इसको।
पढ़ो पढ़ो इसको पढ़ो, ओ स्क्रीन पे जो आया ना उसको पढ़ो ये आप प्लीज। लोग कैसे, ये कौन सा कन्वर्सेशन है सर, बीच में अनम्यूट कर रहे ये ऐसे ही वाला कन्वर्सेशन है, यहाँ पे ब्राह्मण अरे पना नहीं आप चलेगा, मैंने ये ऐसे ही होता सुनिए है कन्वर्सेशन आप इंटरप्ट ये करोगे ना। तो मैंने तो अब बोला कि मैं हाँ इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैंने बोला ना मैसेज करा ना कि मैं आप इंटरप्ट नहीं कर रहे हो ना करूंगा। इंटरप्ट, हाँ आप इंटरप्ट अच्छा किए चलो तभी पढ़ो मैंने आपको इसको, म्यूट किया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ो अभी, अभी आपको हाँ इंटरप्ट नहीं करेंगे, पढ़िए चलिए। नहीं ये ये चीजें तो मंदिर आप मठ कहीं नहीं से है भी पता नहीं आपका। कहाँ, कौन सी किताब पे, कौन सी किताब पे है अरे बताइए। ये नीचे में देख लिखा है लीजिए ना, तैतरी लिखा है देख संहिता, लीजिए ना। पढ़ो इसको पढ़ो। अरे ये सब मिलावटी चीजें हैं, आप लोग अपने सुविधा के हिसाब से अरे लोग मिला मिला खुद के ही बना दिए हैं, तो मिलाती हो आप ये कुछ इसको मिला के लोगों यार के सामने आप प्रेजेंट पढ़, कर रहे हैं। अरे भाई इसको पढ़ पढ़ो तो ना, लो यार, पढ़ो मिला पढ़ो पढ़ो मिलावटी पढ़ो। क्यों पढ़े आप, तैतरी संहिता मिलावटी को, चीजें ला के तैतरी संहिता को मिलावटी चीजें ये जो पब्लिक के बकरा है सामने लगा। ये तैतरी संहिता को मिश्रा मिलावटी बोल दिया। जी, मिश्रा जी पढ़ो भाई आप पढ़ो। मिश्रा जी है, यहाँ पे कुछ मिश्रण नहीं हुआ है, ये सही वाला है, हाँ आप बस जाके आप ही कुछ मिश्रण मिश्रण हुआ हो, है, सब पढ़ो लोग अपनी भाई सुविधा साहब के आप मिश्रण होगे इसका अनुसार मतलब ये चीजें नहीं है बदल कि दी सब गई हैं। मिश्रण जारविल जी हुआ। आप पढ़ दो, ठीक जारविल जी है आप पढ़ दीजिए इसको, मिश्रा इनके जी, लिए थोड़ी आप देर पढ़ो। मौन रखिएगा। सर आप ब्राह्मणो वही वाला तो कंटेंट उठा मनुष्याणाम, के लाते हैं। मिश्रा जी अगर हम अरे दिखाए सुन लो वही भाई, गलत है तो आप लेके आ आपके जाओ पास इसके यार। अलावा कंटेंट है ही नहीं। आप तैतरीय संहिता के श्लोक जो दिखाए गए ना वो निकाल के लाओ और मैं आपका शेयर करूंगा। अगर ऐसा ना मिला ना तो उस दिन से मैं चैनल डिलीट करके इधर ही बस चैनल यहीं पे बंद कर दूंगा। अगर जो चीज मैंने और उसके दिखाया ना, अलावा आप अगर ये सिद्ध कर दिए मिलावटी है और ये नहीं है आपके ग्रंथ में, तो उसी टाइम मैं ये चैनल को डिलीट करके इस स्ट्रीम को एंड करके अरे सर हमेशा के लिए सुनिए, बंद कर दूं। ये अरे इसको चीजें पढ़ के सुना दो एक भाई, सेकंड अब मेरी बात सुन जारविस लीजिए, जी इनको पढ़ के पढ़ के सुनाओ, सुना आप में दीजिए। अरे हिम्मत सुन नहीं है, लीजिए, इसको अरे आप जब में आप लोग हिम्मत मिलावटी नहीं। चीजें कुछ भी ला देंगे तो पढ़ के म्यूट सुना करो। देंगे। बोल रहा हूँ ना कि चीजें मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा मिश्रण की अरे तो गई है, सिद्ध तो अपने करो, अकॉर्डिंग सब लोग मिश्रण किए हुए, तो हम लोग क्या ना करें सब आप इसके ही के में लिए मिलावट करके यार। चले गए ये लग रहा है, सब बाकी तो ऐसे तुम्हारे ही बैठे थे। ग्रंथों में मिलावट करके जारवीस जी चले गए बोलिए ना और सर, ये आप लोग तुम्हारे गोलियां गलत खेल गलत रहे थे बोल उनके रहे साथ। हैं। सर मैं आप अब कर रहा हूँ, आप तू ये बड़ा प्यार ब्राह्मण है, देवता को म्यूट, इनको म्यूट करिए आजाद जी। मंदिर में ब्राह्मणो नहीं बैठा ये। मनुष्याणाम, ब्राह्मणो मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों में ब्राह्मण होता है, अजह पशु नाम राजन्य मनुष्याणाम, अवि ही पशु नाम वैश्य मनुष्याणाम, गावह पशु नाम शूद्र मनुष्याणाम, अश्व पशु नाम। तैतरीय संहिता सातवा मंडल और 1/1 सर्ग और 4 से 6 के श्लोक है, आप जाके चेक कर सकते हैं मिश्रा जी, जिसका अर्थ हो रहा है मनुष्यों में जैसे ब्राह्मण है वैसे पशुओं के अंग प्रतिष्ठित बकरा है, मतलब ब्राह्मण इज इक्वल टू बकरा इन पशु योनि, पर यानी पशुओं में बकरा ब्राह्मण है, जैसे मनुष्य में क्षत्रिय है वैसे ही पशुओं में मेढ़ा है, जैसे मनुष्य में वैश्य है वैसे ही पशुओं में गाय है, और मनुष्य में शूद्र है वैसे ही पशुओं में घोड़ा है। यहाँ पे शूद्र फिर भी अच्छे है क्योंकि घोड़े तो है काम में लगेंगे, बकरा तो सिर्फ काटने में काम आता है, अफसोस। तो मैं ना ये सब बातें नहीं करता अगर ये मेरे को नहीं बोलते। मेरा जो पूरा दिमाग जो घुमाया है ना इन्होंने 180 डिग्री में, वो जब बोला निम्न कोटि की लड़की क्या होती, भाई क्या होती निम्न कोटि की लड़की, अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी, एक मिनट, मुझे बहुत बढ़िया अभी एक निम्न रियलाइजेशन हुआ वर्ग की है। लड़की बोल दिया, बताओ क्या होती नहीं है नहीं सर, सर एक चीज, एक चीज, एक वो चीज, मानसिकता है ना सर, यहाँ इनकी मानसिकता वो नहीं बदलेगी ना, वो कहाँ से अमित जी बदलेगी। और वो तो आपको अमित जी भी, आजा, उनको ये शक हो रहा है कि तिवारी कैसे कोई रैशनलिस्ट हो सकता है, इनको ये भी डाउट है, क्योंकि इनको सब ये लगता है ना कि हर ब्राह्मण कभी ये सो कॉल्ड सुपीरियरिटी को नहीं छोड़ सकता, वो अपनी मानसिकता में ही डूबा रहेगा, इनको ऐसा लगता है, इसलिए तो डाउट होता है ना सर आप पे। आपको कई लोग मन ही मन गाली देते होंगे, आप क्या समझ एक्चुअल रहे हो, में कई को ना भस्म हुआ करने में। क्या था कि भाई मैं तो अपने रियल नेम के साथ आया, ठीक है शुरुआत की बात यहां से बता रहा हूँ कहानी, मैं तो अपने रियल नेम के हाँ साथ आया था भाई, मेरे को पता नहीं था कि यहाँ लोग अपने नेम वगैरह को चेंज करके आते हैं, तो मेरा जो रियल नेम था मैं उसके साथ आया। अब मैंने रेशनल बातें करने चालू करी, मैंने एक चीज देखा कि इन लोगों के में सबसे ज्यादा चिड़ मचनी चालू हुई मेरा सरनेम देख, ये जो सो कॉल्ड अपने आप को बोलते हैं ना कि किसी के मुंह से पैदा हो गए उनके बाद बता रहा हूँ, ठीक है। तब मैंने तय कर लिया कि अब तो मैं सरनेम को ड्रॉप नहीं करूंगा, अब तो रियल नेम को ही रखे रहूंगा। मेरे को बहुत मजा आता है इन लोगों की छाती पे सांप लूटते हैं। हाँ अमित जी, बिल्कुल अमित जी, अमित बिल्कुल जी, अमित जी, एक मैं एक बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं मिश्रा जी की साइड लेना चाहता हूँ। हाँ शास्त्रों में पहले से ही दो जातियों के बीच विवाह का प्रस्ताव किया गया है। अब आप देखिए मैं श्लोक दिखाता हूँ, इसमें लिखा गया है तैतरीय संहिता में कि जो शूद्र है वो घोड़ा है और सर एक मिनट, रामा, एक एक चीज में जारविस सर भाई, हाँ अब बोलिए, इनको बहुत देर से हमने बोलने नहीं दिया ना, तो ये भी कुछ वो बोलना चाह रहे हैं तो ये भाग बोल गए, लेते हैं, फिर आप इनको बताना। भाग हाँ गए सर, नहीं भाग नहीं गए बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं। सर।
बोल रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं सर, बताएं थोड़ा, संस्कृत है क्या ये, मेरे को समझ नहीं आई। ओ हाँ, अभी आई, संस्कृत का अभी श्लोक आई। बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, संस्कृत का श्लोक है ये। चलिए सर, अब मैं सीरियस थोड़ा हो जाता हूँ। तैतरीय संहिता में शूद्रों को घोड़ा कहा गया है, और रामायण में अश्वमेध यज्ञ के बाद क्या हुआ था, किसके साथ सोने को बोला गया था? नहीं, इसका मतलब समझे आप? आजाद जी? नहीं समझा, नहीं समझा। और क्या सर, अरे वो क्या आता है अश्वमेध यज्ञ के बाद घोड़े के साथ सुला रहे हैं ना। हाँ वो मेरे को पता है, लेकिन आप समझा दें थोड़ा, तब मजा आएगा। हाँ, तो घोड़े के शर्म साथ भी नहीं घोड़े के आता, 21वीं सदी में साले अपने आप को बैठ के ब्राह्मण आम्मण क्या क्या मान रहे हैं, यहाँ पे आके लंबी लंबी फेंक रहे हैं कि निम्न कुल वर्ग की लड़की शादी करेगा। अरे कितनी गंदी बात यार। मतलब एक तो हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में जो औरतें उनकी उनको वैसे ही दबा के रखा गया, उसको और ये बुला के बोल दिया निम्न वर्ग की। अरे भाई कोई प्रेम रेम करेगा किसी से तो भाई उसको कोई पूछेगा कि कौन सी जात का है तू। हाँ और इन लोग के टाइप का तो भाई मेरा कम से कम इतनी इतनी तो रीढ़ की हड्डी मेरे अंदर बची हुई है कि इन लोग के जैसी शादी तो नहीं करने वाला ना, कि कोई अनजान लड़की को लाके सामने मेरे खड़े कर दिए। और इतना भी गंदा नहीं हाँ दिखता मैं, बिल्कुल। आ जाते हैं अच्छा बकरे सर, कहाँ कहाँ से। नहीं, सर आप मनीष तो बहुत बदान अच्छे जी, दिखते हैं। जरविस सर एक सेकेंड, मनीष बदान जी कह रहे हैं कीप सपोर्टिंग रैशनलिज्म। बहुत शुक्रिया मनीष बदान सर आपका। दिलीप सुरवाड़े सर लिख रहे हैं, अमित अमित जी जय भीम, मोशन अंजाम तक पहुंचाना है। अंजाम तक जी दिलीप पहुंचेगा सर, सर, बहुत शुक्र, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर बिल्कुल, आपका थैंक भी। यू सर। आजाद जी, अब मैं आपको समझा दूं कि मैंने क्या बोला। हाँ हाँ जी सर, जी अभी समझाइए। समझा दूं। देखिए, तैतरीय संहिता वाला श्लोक क्या बोल रहा है कि हाँ मनुष्यों में ब्राह्मण है, पशुओं में बकरा है, वैसे शूद्रों को घोड़ा बोला गया, और अश्वमेध हाँ यज्ञ में जो यजमान की पत्नी, उसको घोड़े के साथ सुलाया जाता है। अब पता चला, हम तो हमारी वजह से तो इनको हाँ अच्छा, ये आनंद बदनामी मिश्रा ना फिर से करनी बैठे हुए हैं, प्राइवेट चैट आ में गए इनको ले लो, मगर अब ना, हाँ आ भाई, गए। अब जाति के ऊपर नहीं, अब ना ईश्वर पे बात करूंगा ना। हो गई जितनी बात जाति पे हाँ होनी थी। अब आप ये बताइए हाँ कि भाई आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप नास्तिक है, आस्तिक है, क्या है ये बताइए आप। हाँ जी, बिल्कुल रखते हैं। जी बोले, हाँ बोले मिश्रा जी, जी, बिल्कुल रखते हैं। रखते हैं। हेलो, कौन से भगवान को आप मानते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई भगवान राम हुए थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मानता। मैं भगवान को मानता आप हूँ, पर भगवान की कोई छवि नहीं मानता। अच्छा, नहीं राम हुए थे कि नहीं हुए थे, आपको क्या लगता है? वो तो माइथोलॉजी है, अभी माइथोलॉजी को प्रूफ तो हुआ नहीं, तो उसको मान कैसे सकते हैं। अच्छा मतलब काल्पनिक है आप कहते हैं। माइथोलॉजी का मतलब काल्पनिक ही समझ सकते हैं, जब वो चीज प्रूव्ड नहीं हुई है, बस एक कथा ही तो थी। सर वो जो मंदिर बन रहा है, जी, तो वो वो देखिए क्या सर, लोगों की, आपको, आप सुनिए, एक मिनट सुनिए ना। नहीं, लोगों की आस्था वास्था के बारे में मेरे को बात नहीं करना है, मैं आपसे बस, आप और मैं बात कर रहे हैं। आप बताइए कि आप ये मानते हैं ना कि वो जो मंदिर बन रहा है वो एक काल्पनिक पात्र पे बन रहा है अयोध्या में? लोगों की आस्था जुड़ी हुई है तो क्या? तो लोगों की आस्था, अरे अरे भाई सब लोगों की आस्था छोड़िए, आस्था, आप अगर जो पूछे उसका जवाब दे दो वही ना। तो, हाँ आपका पूछ रहा हूं मैं, कोई और आके बोलेगा उससे उसकी बात करूंगा। जी बिल्कुल, हाँ हमारी आप आस्था अपना जुड़ी जवाब है दे दो। उससे, तो फिर आजाद जी जी, स्क्रीन हमारी शेयर आस्था करें। जुड़ी हुई है तो अरे सही आपसे होगा। जो सिंपल अच्छा, सवाल आपकी पूछा है आस्था जुड़ी हुई वो है, जो मतलब बताओ, आस्था छोड़िए, ये आपसे बोल जो दिए ना, सवाल बोल रहे हैं पूछा मेरी है। आस्था जुड़ी, बोल दिए अच्छा, जी, लेकिन ये तो क्लियरली ये आपकी नहीं बोल पाए कि हाँ आस्था, वो काल्पनिक राम नहीं का नहीं मंदिर आजाद बन भाई, रहा ये है, बोल दिए हैं कि वो काल्पनिक है लेकिन मेरी आस्था जुड़ी हुई है, इसका मतलब एक तो नहीं काल्पनिक बोल। पात्र से इनकी आस्था जुड़ी हुई है। हाँ ये बोल दिए, ये मतलब बिल्कुल एक हो सकता है, काल्पनिक फिफ्टी पात्र पे फिफ्टी चांस आप विश्वास करते हैं। आस्था का है, हो भी मतलब सकता क्या है, नहीं भी होता हो है? सकता है। आजाद जी स्क्रीन शेयर अरे भाई करिएगा। आस्था का मतलब क्या जी होता जी है? विश्वास ही होता है ना, तो इसका मतलब एक काल्पनिक पात्र आस्था पे का मतलब आपकी आस्था जुड़ी जी, हुई है, विश्वास। काल्पनिक पात्र पे। हाँ जी, ईश्वर तो आप काल्पनिक ही मान सकते हैं। जी, अब जिसको किसी ने अब देखा आप नहीं है, महसूस नहीं किया है, नहीं, तो आप तो बेशक उसको फिर अब आप काल्पनिक ही खुद ही मान सोचो सकते सर कि आप मतलब आपको कभी कभी अकेले में बैठ के ऐसा लगता होगा कि नहीं, मतलब आप एक इंसान, आपके पास ह्यूमन ब्रेन है, इंटेलिजेंस होता है इतना, है ना? आप जो बोल रहे हो कि मैं काल्पनिक पात्र पे मेरी आस्था जुड़ी हुई है, आप बोल दिए।
सोचो, मतलब आप, आपको खुद के लिए कुछ लगता है सर कभी कभी अकेले में बैठ के कि यार मैं कैसा कैसा सोचता हूँ यार? सोचेंगे वो भी तो कल्पना ही है, अच्छा सोच भी दिमाग आपकी कल्पना वो ही भी तो है तो कल्पना आपको ही इसलिए है। लगता है कि मैं, अच्छा, आपकी सोच भी कल्पना ही नहीं है तो नहीं आपको लगता है, तो फिर अगर काल्पनिक रही पे ही बात, आस्था रख लो सुनिए अपनी। जवाब ले लीजिए मेरा। अच्छा आपकी राम पे आस्था है हाँ ना, राम पे एक आस्था सेकंड, है? मेरा इस कल्पना वाली बात पे, कल्पना वाली बात पे जवाब ले लीजिए हाँ सर, प्लीज। इनका नहीं मैं इनका सम, जवाब लेते सर लेते। यहाँ हाँ तक, हाँ हाँ आपकी नहीं, हाँ एक हाँ सेकंड इनको बोल लेने दे, फिर चलते हैं। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ हाँ क्या कह रहे चलिए हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, साइंटिस्ट होते हैं तो वो भी पहले कोई थियरी देते हैं, उसके बाद वो प्रूव होती है। तो जो थियरी होती है वो कल्पनाओं से तो होती है, ऐसा नहीं है कि वो चीज पहले प्रूव हो जाती है उसके बाद वो होता है। तो तो प्रूफ भी देता है, कल्पनाओं से तो ही अभी तो आप अपनी सर कल्पना चीजें का बनी प्रूफ हुई। देने वाले हो मतलब ना अभी आप? अभी अभी प्रूफ देंगे। हाँ हाँ अभी तो सर प्रूफ साइंस देंगे। की बात को निकाल के और ज्यादा फंस गए, खुद ही बोल दिए नहीं कि जो सर अभी साइंटिस्ट जी, होता है पहले वो कल्पना करता है, थ्योरी देता है, फिर उसका जो प्रूफ है वो बताता है। तो चलो आपने कल्पना करी राम की, उसका प्रूफ बताओ। तो सर क्या साइंटिस्ट जिस दिन थियरी देता है उसी दिन प्रूव कर देता है क्या? अच्छा मतलब आप कुछ खोज रहे हो चीजों मतलब को राम को, है ना, समय कुल लगता मिला है के? ना। हाँ अच्छा सर समय ठीक लग है, रहा है इनको आपको? खोजने दीजिए, इनकी आस्था दिखाते हैं इनको, इनको एक बार आस्था दिखाते हैं। आस्था तो है ना इनकी राम में, तो आस्था दिखा देते हैं सर एक बार। आप स्क्रीन शेयर कर दें, वो आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। नहीं मैं दिखा देते वहीं हैं तक आस्था ला को रहा एक हूं ना, बार। 1 मिनट रुको, तो मैं वहीं ला रहा था इनको। हाँ हाँ मैं वही इनसे हाँ पूछना चाह रहा हूं कि सर भाई आप राम को कैसा मानते हैं, मतलब आप राम को क्या मानते हैं कि वो एक मतलब जैसे उनको कहा जाता है कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, कृपालु थे, है ना, मतलब पर स्त्री की तरफ नहीं देखते थे, तो आप ये मानते हैं ये सब राम के बारे में? जी, वो चीजें अगर हैं हमारी मैथोलॉजी में लिखी गई हैं तो फिर बिल्कुल मानते हैं उस चीजों नहीं को। नहीं तो आप मानते हैं ना, मतलब आप बोल रहे हैं आप मानते हैं? दुनिया मानता है, 125 करोड़ की जनसंख्या हमारी, उसमें से लोग मान ही रहे हैं। आप जैसे जो ये 2-4-10 लोग बचे हैं बस इन्हीं को समस्या है, पता नहीं अरे कहाँ से। अब भाई वो दुनिया इसी की में से आबादी सवा 700 सौ करोड़ में करोड़ से ही है, आप हैं। लोग हिंदू लोग 60-70 करोड़ हो, छोड़ो आप उसको, वहां तक हम बात ही नहीं कर रहे हैं, आपकी बस बात कर रहा हूं मैं। आप ये मानते हैं जी ना हम कि राम बहुत अच्छे पुरुष थे, किसी की तरफ नहीं देखते थे, गंदी गंदी बात नहीं करते थे? ये चीजें तो आप कह रहे हैं ना आप, क्योंकि आप ये चीजें हमसे कपलवा के कुछ और कहीं ले जाके हमको इधर उधर कर देंगे। इस चीजों से देखिए कुछ होने वाला है नहीं, आप हमको अब ये जलील दिखाता हूं करके कुछ आपको मैं। साबित नहीं कर पाएंगे कि राम नहीं, सर राम है यार नहीं आपका आप राम ही बिल्कुल। जलील है, तो आपको क्या, मैं तो आपको आपके राम को जलील करूंगा बैठ के, बस आपको क्यों हाँ जलील आपका करूं अल्लाह यार, तो, आप तो अब बहुत अच्छे इंसान हो। जी आपका अल्लाह तो अच्छा इंसान है। आप हो तो इसे पाकिस्तान से तो राम से समस्या होगी ही। सही अच्छा मैं बात पाकिस्तान है से आपकी, हूं। बिल्कुल क्या बताएं, लो सर तो इन्होंने अल्लाह पाकिस्तान को से ही तो हमसे बैठे जोड़ हैं लिया। आप, देखा ये सर, बक रही बिल्कुल है, कोई जुड़े हैं बात अल्लाह नहीं, से ही। ये ये बैसाख बात नंदन सही मैंने सोच के है, रखा तो है सही है सर। यूनिवर्सिटी। हाँ ये आप कहाँ से लोग भी चालू जुड़े करूं हुए हैं इनको? सर। हाँ सर थोड़ा दिखा भैया दें देखो, थोड़ा स्क्रीन। हाँ दिखा रुकिए देते रुकिए, हैं थोड़ा, अभी अभी ना बांग्लादेश पाकिस्तान से ही तो जुड़े इत्मीनान से, इत्मीनान हुए से। हाँ हम कहाँ से जुड़े हैं आप पहले, अब बस इत्मीनान से आप देखें इस चीज को। हैं। बुद्धिज्म की फंडिंग शेयर पा कर रहे हैं दिया। सर, मस्त उसी से जिंदगी चल रही है, किसी को जलील करके सर। ये देखो, अरे आपको क्यों जलील करूंगा, आप बहुत अच्छे आपको क्यों इंसान जलील हो, करूं, जिसको आप जलील अच्छे इंसान करना हो, चाहिए आपको उसको दिखा रहा है। कराऊंगा अभी बैठ के, अभी देखते तो जी जाओ। हाँ और आप हाँ खुद ही देख, बोल हाँ दिए सर कि वो एक कल्पना है, तो भाई काल्पनिक चीजों पे जलील नहीं हुआ करते, सुनते जाइए देखते हाँ। जाइए, आ गई ना स्क्रीन बुद्धिज्म तो से आ तो गई होगी। पैसा हाँ मिल ही रहा है, बुद्धिज्म से आ पैसा गई। मिल ही रहा है तो क्या समस्या है, अब आप चुप तो किसी को रहिए, भी चुप जलील किया जा रहिए सकता है। देखो क्या आनंद हुआ, मिश्रा जी अब बोलिए। चुप रहना सीख लो थोड़ा, चुप रहिए अब बस, अब देखिए अब। हाँ सर सुनाए हाँ तो कहाँ अमित वो, जी, अच्छा मुझे 1 मिनट रुक मुझे जाओ। मुझे आप इनसे ये पढ़वाएं या इसको पढ़ के सुनाएं, उससे पहले मुझे एक दो बात करनी है। मैं चाहता हूँ इस भाई को कुछ, मैं कुछ बात हाँ करूं अगर हाँ आप मुझे टाइम बिल्कुल दें। सर बिल्कुल। मिश्रा आप जी लोग, प्लीज, हाँ हाँ, बोलो मिश्रा जी आप प्लीज बीच में मत टोकिएगा, सिर्फ सुनिएगा। आपका एक भाई के नाते बोल रहा हूँ, पता नहीं आप कितना समझ पाओगे, जी। सिर्फ इतना समझो। पहले मुझे ये बताइए आप कितना पढ़े हो, आपने आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, जी मैंने ग्रेजुएशन किया है किस चीज में? जी, मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया। ओके, इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हैं आप? हाँ जी तो सर आपको ये सब पढ़ के ये समझ में नहीं आया कि ये भी एक सिर्फ लिटरेचर है जो किसी कास्टिस्ट लोगों ने लिख के अपने आप को प्रतिस्थापित किया है, सबको लूट खसोट के बैठे बैठे खाने के लिए माल मसीदे।
एक बात, दूसरी बात, आप इस साइंस के जमाने में क्या ये चीज मान सकते हैं? कल का आप साइंस जर्नी जी का वीडियो देखिएगा कि जिसमें यक्ष प्रश्न के हिसाब से सूरज को कौन उगाता है, तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी उठाते हैं और वो आ जाता है। क्या ये बात सही है? आपको लगता है ये सारी बात सही है? थोड़ा साइंटिफिकली तो सोचिए नहीं, मेरे भाई। तो उस चीज के बारे में फिर सोच रहे हैं, लेकिन कुछ एक सेकंड मैं जवाब ले लीजिए जी। मैं हाँ ये हाँ बोल रहा हूँ बोलिए। कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं कि इस चीज के बारे में आपको सोचना चाहिए, तो ठीक है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, वो चीजें हमें गलत लग रही है, लेकिन हमारी सोच तो यहाँ आके अटक जा रही है कि आप लोग बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, आसमान से गिरा के खजूर पे लटका रहे हैं लोगों को, वहां से ठीक अटका है, के हमें बस अटका बस के क्या बस मिलेगा बस सर बस सर, बस आपकी बात समझ गए। अब रुकिए, जी। हमने यहाँ आज की स्ट्रीम बोलिए में कहीं पे भी बुद्धिज्म का नाम लिया, बीच में बोलिएगा। नंबर एक। नंबर दो, बुद्धिज्म खुद एक नास्तिकवाद था ना। बुद्ध को हम भगवान नहीं मानते, या जो वो भगवान बुद्ध जो लिखते हैं, भगवान मतलब सर्व मनुष्यों में प्रतिष्ठित बुद्धिवान मनुष्य, उसको एक टैग है सिर्फ। उसको भगवान मतलब जो आप एक चमत्कारी भगवान परलोक से आने वाले आसमानी भगवान नहीं मानते। बुद्ध एक मनुष्य थे, आए, अपना काम किया, चल लिए, आगे कुछ नहीं है। हम उनको भगवान नहीं मानते। यहाँ पे एक भी बंदा जो पैनलिस्ट है या ज्यादातर जो हमारे भाई देख रहे हैं, कोई भी बुद्धिज्म को एज ए धर्म, एज ए भगवान मान नहीं रहा है, ना उनके मंदिर में घंटा लगा के पूजा कर रहा है। तो आप किस जी, बात मेरा पे ये जवाब दे कह रहे हैं कि दीजिए। हम? अरे भाई, मैंने तो हाँ बौद्ध धर्म शास्त्र भी ठीक से नहीं पढ़े हैं सर, हाँ मैं सीधी क्या बात है। बोलूं। और हम लोगों ने क्लेम भी नहीं नहीं, किया, मैं किसी ने क्लेम सीरियसली भी नहीं बता किया। रहा हूँ। नहीं, सीरियसली हाँ मैं जी, बता रहा मतलब हूँ, मैंने ठीक से जवाब ले पढ़े भी लीजिए नहीं मतलब। है। हाँ और मिश्रा जी, जैसे अगर जी, बोल। आपके दादा का कुछ नाम है XYZ, तो उस नाम को अगर हम लेते हैं तो हम उनके भक्त नहीं हो जाते। वो सिर्फ एक ऐतिहासिक, उनका एक महत्व था, उनका एग्जिस्टेंस था किसी समय में, उसका रेफरेंस लेते हैं ना। वैसे बुद्ध हमारे लिए सिर्फ एक रेफरेंशियल आदमी या पुरुष है जो हुए थे, काल्पनिक नहीं थे हमारे राम या कृष्ण लिए की तरह। नहीं सर, वो हमारे सर लिए मेरा एक ऐसे जवाब ले पुरुष लीजिए, हैं जो क्या हो गया इतिहास सर? में हुए थे, तो बस इतिहास में यही प्रमाण है ना, बुद्ध के, इनका वही राम तो के राम जैसे हो गया। कल्पना नहीं है बुद्ध। हाँ और वही तो दूसरी मैंने कहा, बात यह है, यही हम आज तक एक वर्ड मेरे मुंह जी से, मेरा यहाँ पे जवाब ले लीजिए। आप मतलब, मैंने 1 मिनट रुक जाओ यार, आज तक मैंने, आप सिर्फ आप ही नहीं बैठे हो यहाँ पे, और भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, जो लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे वो भी सुन रहे हैं, उनके लिए भी बोलना पड़ता है ना। आज तक मेरी स्ट्रीम में से कोई एक ऐसा वर्ड निकाल के मेरे को दिखा दो जहां पे मैंने ये कहा है कि बुद्ध भगवान है, मैं बौद्ध धर्म का पालन करता हूं, लोगों को बौद्ध धर्म का पालन करना चाहिए। मैं बता रहा हूं, मैं जिन जिन चैनलों पे जाता हूं वहां वहां पे उन लोगों का भी आप निकाल के दिखा दो। हाँ, जब इतिहास की बात करनी पड़े, जब हम करते हैं ना, तो बुद्ध की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बुद्ध ना हिस्टोरिकली एक्यूरेट है, वो हिस्ट्री में एक उनका स्थान है। यही बात आप लोग को समझ में नहीं आती। और वो ये एक भी आपको मैं, हिस्टोरिकल अच्छा चलो मैं फिगर आपको है। फिर से ना, नहीं, मैं नहीं इनका नहीं इनका मेरा जो जवाब ले भाव है लीजिए ना, इस उसमें बात थोड़ा को, सा नमक भी छिड़क देता हूं। सुन लो, मेरा आपका जवाब जो ले भारत है लीजिएगा। ना, जिस भारत में हम रहते हैं, ठीक है, वो भारत ना बुद्ध का भारत है, समझे। इतिहास में ना पीछे से पीछे जाके देखना, जहां भी खुदाई करोगे बुद्ध बाहर निकल के आ जाते हैं, वो बुद्ध का भारत है। यही आपको नहीं पता, आपके राम का भारत नहीं है, काल्पनिक पात्र का भारत नहीं है, ठीक है तभी तो जी। बुद्धिज्म जी को ही बिल्कुल। प्रमोट कर रहे हैं। और सर उसके अलावा एक सेकेंड, अच्छा एक राम मोहन सर का सवाल आया है, सभी लोगों को जय भीम। हाँ सर, आपको भी जय भीम। ये कह रहे हैं मिश्रा जी से पूछिए इनका गर्भाधान संस्कार हुआ था या नहीं। अच्छा बता दीजिए, आपके लिए ही ये सवाल आया है। जी राम नहीं मोहन सर आपका शुक्रिया, नहीं बोले तो नहीं हुआ। फिर आप ब्राह्मण ही अच्छा, नहीं हो, इसके क्योंकि बारे में ब्राह्मण तो पता है? सो नहीं, एक्चुअली हम लोग नहीं। बाहर ही रहे हाँ स्टार्टिंग से, फिर से नहीं, नहीं, आप एक्चुअली कहीं पे भी रहे हो, बिल्कुल एक नहीं शुद्ध पता। ब्राह्मण, अगर आप अपने आप को शुद्ध ब्राह्मण मानते हैं, तो गर्भाधान संस्कार मस्ट है, आपको करना ही, करवाना ही पड़ेगा। हाँ, करवाना ही पड़ेगा। नहीं, हाँ, हम लोग फिर का तो आप यज्ञ कैसे बोध भी हो? नहीं हुआ है सर, यज्ञ सर हम और बाहर ही रहते जाके तो आर्य यज्ञ बोध समाज। भी नहीं हुआ जी सर। हाँ ठीक है, अच्छा सुनिए। अच्छा ये बताओ कि जो संस्कार होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं जी सर, इस संस्कार? बारे में हमें सर, मुझे अपने इन सब चीजों में मैं पढ़ा नहीं, स्टार्टिंग से ही पढने के लिए बाहर ही था, तो फिर फिर आपको ये हाँ कैसे तो पता जब चल भी जाता है कि पढ़े ही ये चीज नहीं हो, जब मिलावटी इतना लगी? ही ज्ञान नहीं है, फिर यहां पे आके हमको पेल दिए कि ब्राह्मणवाद कुछ होता ही नहीं, जब अता पता ही नहीं है। हाँ, और दूसरे को बता दिए कि ये तो हाँ बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी बता दिए, आपको खुद नहीं पता है कि और इनको संस्कार ये कितने होते हैं, फिर, हिंदुओं में अच्छा और संस्कार फिर ही नहीं ये, पता इनको। और इनको ये भी नहीं पता कि फिर ये सर किस आप आधार वही पे तो कर कहते हैं रहे कि इसमें हैं, मिलावटी है?
मिलावटी है, आपको हाँ कैसे आपने पता कि कुछ कौन पढ़ा सा ग्रंथ नहीं है, मिलावटी? फिर हाँ आप मिलावटी कुछ कैसे पढ़े पता चल नहीं गया आपको? हो तो मिलावटी कैसे पता चला आपको, ये समझा सर दीजिए। और दूसरा, 30 सेकंड और दे एक दीजिए मिनट, हमको, कब जो से आप लोग बोल रहे हैं, हाँ 30 सेकंड दे दीजिए। अब हाँ हाँ ठीक है, मेरा तीस से सेकंड नहीं, दिए। मेरा मेरा एक सेंटेंस खत्म होने दो। हाँ मिश्रा जी, आपने जब शुरुआत में आके ओके ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का डिफरेंस नहीं समझा पाए, मुझे उस बात में के बारे में कहना था कि एक ब्राह्मण ही ब्राह्मणवाद नहीं फैलाता, चाहे ST SC OBC का भी कोई जिसका ब्रेन वॉश हो चुका है वो भी ब्राह्मणवादी हो सकता है। तो हम ब्राह्मणों के लिए अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट बोल रहे हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस है, वो भी समझिए। अब आप ले लीजिए अपने 30 सेकंड। जी जी, बोले। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बेशक मैं, आप लोग राम को खत्म कीजिए, कृष्ण को खत्म कीजिए, ब्राह्मणिज्म को खत्म कर दीजिए, हिंदू धर्म सनातन धर्म को खत्म खत्म पूरी तरीके से मैं गाली दे रहा हूँ, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं ना, लोगों को आसमान से अटका के खजूर पे ना, ये मासूम जनता को बस आप डाइवर्ट कर रहे हैं, कहाँ बस और कहाँ कुछ नहीं। आपको क्या तो क्या, फंडिंग मिल रहा है, पैसा मिल कहाँ रहा है, आपका कहाँ काम हो क्या रहा है। क्या बताओ, जी चलो क्या क्या सर, आप हर बात काम में, क्या बोल। साइंस जर्नी जी, अमित अमित जी, साइंस जर्नी जी, अरे हर बात में, हर 10 सेकंड में हाँ, बुद्ध बुद्ध बुद्ध। अरे सर, आप इन अरे मासूम तो लोगों को जब बस बेवकूफ इतिहास की बना रहे बात हैं, बस करोगे तो उनका क्या, बुद्ध की बात वो लोग करना नहीं समझ पड़ेगा, रहे हैं। यही तो इतनी देर से समझा रहा हूं भाई, जब सर इतिहास की बात आप, अरे करोगे तो नहीं, बुद्ध की बात आपके बात करना नहीं है, पड़ेगा पैसे ना वाली बात आपके। आती है। देखिए इतिहास में अगर अरे आपके राम फंडिंग मिलते आती तो है, हम उनकी भी फंडिंग की बात बात करते, करिए ना। उनका भाई उनका कितना कितना सा हमको है, कौन कितना फंडिंग, फंडिंग आता एक है, मिनट रुको, कितना कितना फंडिंग दिया आता है ये आपने, बताइए। दिया कितना, कितना दे दिया फंडिंग, दिया क्या आपने? आ जाओ इधर, कौन दे सा देते हैं प्रमाण ना, है? आ जाओ लेकर ब्राह्मणों आओ से ना प्रमाण प्रमाण, कौन करिए, सा दे कौन देते सा? हैं ना। अरे नहीं हमें, हम फंडिंग तुम्हारे के लिए थोड़ी ना बैठे हैं इधर मिश्रा जी, आप कितने टाइप के जी, फंड आते तो। बनाएंगे कब? नहीं, अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हो तो बोलेंगे पा इस्लामी फंड आ रहा है, अब बुद्धिस्ट फंड आ रहा है, कल को कोई घंटा बजाएगा तो क्या घंटे नाम का किसी का फंड आएगा? कुछ भी शुरू हो जाते हो आप, हर चीज में फंड। अब फंड की जगह पे अच्छा वो आदमी बोल रहा ये वर्ड काम सुधार वाम क्या दया। नहीं करते हो आप सर, लोग आप सर आप क्या काम ऐसे, करते हाँ हो वैसे, बताइए। जीवनी चलाने के लिए क्या काम करते हो, व्यवसाय क्या है आपका, क्या क्या काम करते हैं व्यवसाय क्या जी? है? अभी तो हम पढ़ते हैं, ये अभी पढ़ रहे हो? हम कोई व्यवसाय नहीं करते, अभी हम केवल पढ़ते हैं। जी अच्छा पढ़ाई पूरी नहीं हुई, इतिहास पढ़े हो, अभी ग्रेजुएशन तो पूरा हो गया, बाकी कुछ। इतिहास पढ़े हाँ हो जी पढ़े हैं, स्कूल जी में, कौन सी कक्षा में पढ़े जी 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 हो, कौन सी कक्षा में, 10वीं तक थोड़ा बहुत पढ़े तो हो बोले, कि उसके बाद बोले भी पढ़े आप जो हो? बोलना चाहते हो। अच्छा तो एक आध कोई हाँ वहां इतिहासकार तक का तो नाम पढ़ेंगे। बता दो, नाम बता दो, नाम बताओ। सर ये ज्यादा इतिहास की दूर नहीं बात जाना करोगे है, बुद्ध की बात करना वैसे तो पड़ेगा, बहुत। इतिहास की बात करोगे अशोक की बात करना पड़ेगा, इतिहास की बात करोगे कनिष्क की बात करना पड़ेगा, पढ़े कितना हो? लेकिन हाँ लेकिन इतिहास अमित में जी, बुद्ध से तो पहले, इनसे वो ग्रेजुएशन बुद्ध किसमें किए बुद्ध से हो, तो पहले वैदिक किसमें काल किए देता हो है ना ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन इतिहास। ये किसमें किए बहुत, हो, मुझे मैंने मुझे इंग्लिश एक राय है, किसमें किए सुनिए हो मेरा ग्रेजुएशन? जवाब इसमें सुन लीजिए, एक मिनट एक यार, सेकंड, मैं एक सेकंड, मेरा पहले जवाब दे अभी दीजिए। अभी आपको अभी एक मिनट रुको, आपको इतिहास, नापने दो, मेरे को नापने दो, आप इतिहास का अभी नहीं जानते, छोड़ दो आप उसको। ग्रेजुएशन किसमें किए हो, जी इंग्लिश में किया। हेलो इंग्लिश में किए हो, शेक्सपियर पढ़े हो, शेक्सपियर पढ़े हो, जी, थोड़ा बहुत शेक्सपियर थोड़ा पढ़े, बहुत, मतलब कौन सा प्ले पढ़े हो, कौन जी थोड़ा बहुत पढ़े। सा प्ले, कौन सा प्ले? नहीं ऐसे तो नॉम, ऐसे तो कुछ अरे याद प्ले नहीं। याद ही नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई किए हो? अरे सुनिए मेरा ग्रेजुएशन अरे भाई सुन लीजिए, क्या मेरा जवाब पढ़े तो हो, सुन लीजिए क्या अरे कह रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर में क्या पढ़े हो थोड़ा बताओ तो, क्या हाँ पढ़े बता हो, दीजिए ना। अरे क्लासिकल सर किसी को मैं पढ़े हो? एक्चुअली तैयार, अरे मैं क्लासिकल एक्चुअली पोएट CGL कोई की पढ़े तैयार हो, विलियम वर्ड यही कर वर्ड रहा पढ़े था, तो हो, मुझे, हाँ अरे सुन लीजिए जवाब यीट्स तो, पढ़े मैं हो, CGL की जॉन तैयारी कर यीट्स रहा पढ़े था, हो, अरे क्या मेरे को पढ़े चाहिए था, क्या वो मेरे को समझाओ बस ना भाई। ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, तो साइड के लिए मैंने ले लिया। तो ये जवाब देखो तो ये दे दो, बंदा पढ़े पढ़ा हैं लिखा वैदिक रखा काल, नहीं है पढ़े यार, हैं ये बुद्ध से, बंदा तुम्हारे पढ़ा आगे लिखा वैदिक भी काल नहीं पढ़े है, हैं, भाई ये बंदा तुम्हारे पढ़ा बुद्ध से लिखा तो भी पहले नहीं है वैदिक काल भाई। पढ़े हाँ हैं, नहीं वैदिक काल बताओ फर्जी यार, डिग्री ले ये लिए, हालत है वैदिक काल देश से की अमित सर यार, ये बुद्ध कह से रहे हैं पहले इन्होंने फर्जी व्हाट्सएप डिग्री ले ली है, यूनिवर्सिटी ऐसे से पैसे, पढ़े हाँ हो? पैसा देकर डिग्री मांग ले ली इन्होंने हाँ बस। हाँ तो बस ये इसीलिए इनके इनकी पढ़ाई दिमाग में लिखी ना, पैसा उसी ही से पैसा पढ़े भरा हैं पड़ा है, जो सही वो बात बोलेगा ना उसको बोल देते कि ये बंगाली इसलिए कर रहा है ताकि उसको फंडिंग मिल जाए। अरे फंडिंग बंगाली करके मुल्लों से डिग्री फंडिंग लाए मिली है ना, हो बंगाली मुल्लों और से यहाँ फंडिंग आके मिली बोल रहे हो? भाई, अच्छा इसका मतलब कुछ ही नहीं भाई पढ़े लोग हो, आ गए पर्सनल अटैक पे, जनता आ गए पर्सनल अटैक पे, तो तर्क नहीं बेवकूफ बचे तो आ पड़ी गए। है, नहीं जनता नहीं तो बेवकूफ आ गए, पड़ी है,
क्या तर्क नहीं बचे? जनता तो अरे बोल रहा हूँ ना जनता कि बेवकूफ तुम्हारे बुद्धि है से कि पहले नहीं? तो मैं आप वैदिक बहुत काल पढ़ता बेवकूफ हूँ। हो यार, आप बहुत बेवकूफ हो। जनता को आप ये आपने बोल बहुत रहे हो कि बेवकूफ मैं बनाया, पैसा अब देके जनता डिग्री ले आपको आया बेवकूफ हूँ। बनाएगी। जो पैसा पाएगा थोड़ा बेवकूफ रहेगा, वो तो जब दुनिया को बेवकूफ बनाता है वो कहाँ बेवकूफ होता है। हाँ नहीं यार, नहीं आप आप पहले ये पैसा देख बताओ, बेच के बैठे हैं, मैं कॉलेज डिग्री गए ले। भी हो कि नहीं गए हो? हाँ? कॉलेज गए हो? आगे बस बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो, और अरे दूसरों को कॉलेज कॉलेज की गए बताओ हो कि नहीं जो गए पढ़े लिखे हो? नहीं है उनको बस मूर्ख बना के फंडिंग अरे एक मिनट कमा यार, लो। कॉलेज अरे गए भाई हो साहब कि आप नहीं कॉलेज गए गए हो हो? कि नहीं नहीं गए गए हो, हो? मेरे मेरे कॉलेज कॉलेज जाने जाने से से तुम्हारा तुम्हारे क्या क्या फर्क फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? ये मतलब तो मूर्ख हो? नहीं यार, नहीं ये नहीं तो मूर्ख हो, यार, आप ये खुद ही कह तो रहे हो मूर्ख आप हो ना, लोग आप हैं, नहीं पढ़े ये लिखे। तो नहीं, मूर्ख आपने आप कहा ना लोग लग रहे फर्जी हैं, डिग्री ले। अनपढ़ इंसान आ हाँ गया नहीं, यार आप ये तो पैसा हमारे तो आप पास। लोग पा रहे हो, अनपढ़ आप हो, अनपढ़ हो यार, क्या पैसे देके फर्जी गजबस डिग्री पढ़ा ली ले है रहे यार, हैं आपकी इसको म्यूट शिक्षा करो पर? यार। आप जिसको ज्ञान यहाँ पर फंडिंग मिल मिल रहे रही, हो, आप खुद ही नहीं पढ़े। अरे फंडिंग रियलिस्ट जिसको का मिल जात, रहा है इसको वो म्यूट करके जिसको यहीं फंडिंग मिल रखो, रही है वो तो कुछ अपना ईमान बेचने, अपना ईमान बेच दिया है, इसको अपना म्यूट ईमान बेच करके के यहीं रख बैठो दो। यहाँ पे, और दूसरे क्या हो। अरे भाई साहब हाँ रुको इसको म्यूट रुको, करके अब ही रखो। अभी ये अभी इनको बकरा दे। तो अभी सर ये बकरे का बकरा तो उधर कॉलेज भी स्क्रीन नहीं शेयर गया। कर, ये हाँ बकरा स्क्रीन तो सर शेयर बिल्कुल करता हूँ निहाय निहायती मतलब भाई। और अनपढ़ देखो दबाव यार निकला है। सुनो, अब मैं जो करने जा रहा हूं ना, इसका कोई भी दोषारोपण मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जी ये बिल्कुल। महानुभाव ये खुद बोल दिया है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, ये इसने मतलब ये बंदा खुद बोल दिया कि मैंने पैसा लेकर डिग्री खरीदी है और ये हाँ इतिहास में खुद ही मेरे को आ बोले गया सिखाने के लिए, है ना। दूसरी बात, ये जी खुद बोल बिल्कुल। दिया कि ये सब कल्पना है और इसका अकल यहीं से समझ में। पहले तो मैं थोड़ा बहुत गंभीरता पूर्वक बात कर रहा था, अब तो वो भी नहीं करूंगा। इसका अकल यहीं समझ में आ गया, ये बोल दिया कि मैं कल जो आस्था है मेरी ना वो काल्पनिक पात्रों पे है, और मैं तो वैसे भी जी काल्पनिक पात्र मानता ही हूं इन सब चीजों को। ठीक है, ये तो जी किससे बिल्कुल कहानी बिल्कुल है। तो अब जो मैं करने जा रहा हूं भाई, उसका मेरे ऊपर कोई वो नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल बकरा को बिल्कुल थोड़ा सा दिखाना चाहिए कि देखो। आहा हा, जी। अरे सर चालू वो क्या करो। करें सर, वाह करना ही पड़ता है जो शेयर, भाई, क्या आ करें गया आ गया। इतना। हाँ गाइस, और आप लोग स्ट्रीम को जितना हो सके लाइक और शेयर करते रहें, क्योंकि लाइक ये और ना शेयर इनकी करो। अनपढ़, हाँ फर्जीवाद इनका सबको पता चलना हाँ, चाहिए, क्योंकि देखिए ये फर्जी डिग्रियां लेकर हमें इतिहास गजब बनाने का बकरा आएंगे। आज हाथ लगा है। हाँ ये देखो क्या बोल रही सीता जी। आहा हा, हनुमान, हाँ हनुमान जी कौन थे? आजाद भाई, आप ही बताएं सर, आप ही समझा लीजिए। बंदार, अ से बंदार, हनुमान, अ से अनपढ़ बकरा, ब से बंदार, हनुमान। मैं थक जाने के कारण उस दिन देर तक रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। काल्पनिक है भाई ना, काल्पनिक है, सब हाँ काल्पनिक। हाँ फिर काल्पनिक है, उनकी सब बारी काल्पनिक। आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सर रख के सो गए। वाह वाह, क्या एकदम। आप मतलब सोचो, शाहरुख खान और उसकी कौन सी हीरोइन थी वो, काजोल। आहा एकदम, कोई एक की गोद में सर रखा, फिर दूसरी गोद में सर रखा। उसी समय कौवा वहां पे आया, अमरीश पुरी जैसे कौवा आ गया। उसी समय कौवा वहां आया और मैं सोकर जागने के बाद रघुनाथ जी की गोद से उठी, उठ के बैठी थी कि कौवा ने सहसा झपट कर मेरी छाती में चोंच मार दी। उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया। मेरे शरीर से रक्त की बूंद झरने लगी। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जागकर उठ बैठे। मेरी छाती में घाव हुआ देखकर महाबाहु श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुफकारते हुए, अंधा कुटिल सांप जैसे फुफकारते हुए, विषधर सर्प के समान जोर जोर से सांस लेते हुए बोले, हाथी की सूंड के समान जांघ वाली सुंदरी, हे सुंदरी जिसकी इतनी मोटी मोटी जांघें हैं कि इनको देख के मुझे हाथी की सूंड याद आ गई। हे मेरी सीता महारानी, किसने तुम्हारी छाती को छत विछत किया है? कौन से रोष भरे हुए पांच मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और उनकी भौहें बड़ी सुंदर थी। दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे। काल्पनिक पात्र के बारे में बात हो रही है। उनके जो दोनों ब्रेस्ट थे वो बड़े खूबसूरत थे और गोल गोल थे। हाँ हाँ बिल्कुल उनके केस काले काले और होंठ बिंब फल के समान लाल लाल थे। कटी भाग यानी कमर बहुत ही सुंदर था। सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। वाह वाह, ये काल्पनिक पात्रों के बारे में बात हो रही है। और उसके बाद हाँ हाँ बिल्कुल एक बिल्कुल और भी चीज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं दोस्तों।
ये देखो, ये आया अमरीश पुरी बन के रावण। वाह सीता जी, सीता जी के बारे में लिख रहा है वाल्मीकि जी, काल्पनिक पात्र सीता के बारे में, काल्पनिक रावण, काल्पनिक वाल्मीकि, वो वाल्मीकि भी काल्पनिक रहा होगा भाई, उसका नाम वाल्मीकि नहीं होगा, समझो कोई पॉर्न राइटर है, वो ऐसे ही बात लिख सकता है कोई, ठीक है। आजकल के लड़के सब जानते हैं जी कि कौन है वो। हाँ इनको हम ये भी कह सकते हैं, वो आता है ना पॉर्न राइटर मस्तराम, तो उस तरह की ये बातें लिख रहे कि तुम्हारे दांत बराबर हैं, तुम्हारे अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं, कटी का अग्रभाग विशाल एवं मांसल है, तुम्हारी जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती है, तुम्हारे ये दोनों स्तन यानी ब्रेस्ट पुष्ट एकदम मस्कुलर गोल गोल आपस में सटे हुए हैं, प्रगल्भ दूध से भरे हुए, मोटे उठे हुए मुख वाले यानी आपके उनके जो निप्पल हैं वो भी एकदम उठे हुए दिखाई दे रहे थे, कमनीय चिकने चिकने ताड़ फल के समान, ताड़ फल को कौन जैसे ही इतनी तारीफ देखा, करता है, हाँ ऐसे जैसे ही कौन ताड़ तारीफ फल करता दिखा है तो सर? बोले तो सीता के ब्रेष्ठ लटक रहे हैं के समान, आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं, इस तरह की काल्पनिक बातों से भरा पड़ा इनका काल्पनिक धर्म। अच्छा भाग गया क्या वो? भाग गए सर, वो भाग गए, भाग गया भागेंगे ना और क्या करेंगे, अब ये फर्जी डिग्री साबित इधर पकड़ा गई तो क्या करेंगे अब बेचारे, जब पढ़ते इधर लिखते हैं नहीं, मतलब सीधा बोल दिया भाई, अनपढ़ बकरा सीधा बोल दिया कि मैं कॉलेज गया ही नहीं हूं, पैसे से डिग्री खरीदा हूं, बोल दिया। छी छी हाँ। और छी सर यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं यार कि हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, यार मजाक हम नहीं उड़ाते, आप माफ करें, लेकिन क्या करें जब कोई फर्जी डिग्री लेकर इस तरीके से जस्टिफाई करने आता है ब्राह्मणवाद को, खुद को ब्राह्मण भी कहते हैं और कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया, और खुद ये नमूनी बातें करते हैं, तो वो खुद ही हंसी का हास, मतलब खुद ही अपने आप को हंसी का पात्र बनाते हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, वो खुद उकसाते हैं कि हमारी बेइज्जती करिए। और भाई अगर शालीनता से आप बात करें और आप जो बात सत्य है उसको स्वीकारें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से बात करने में, लेकिन जब आप फर्जी डिग्री लेकर हमें ज्ञान पेलोगे तो फिर आपका यही हाल होगा, और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपको रमेश सर से मिलवा देंगे, उनके पास मेडिकल थोड़ा शायद आपको दवाई ववाई दे दें, बलहम वगैरह, उससे आप जो बर्नौल बर्नौल वगैरह मिल जाएगा उनके पास, तो यार वो हम इंतजाम करवा लेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम से हमें सर, वो भी इन तक ना फ्री डिलीवरी करवा दिया करेंगे जिनको ज्यादा लग जाता है। हाँ तो बिल्कुल। जी, तो ये हम लोगों का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि भाई हम किसी को मजाक उड़ाएं, लेकिन अब खुद ही कोई मजाक उड़वा रहा है तो उससे क्या कहें फिर हम। भाई मैं तो वही पढ़ रहा हूं जो लिखा है, ठीक है, नहीं लिखा होता तो मैं कहां से पढ़ता।